लेकिन मैं आपको बताऊं, बाहर जो आपकी छवि है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे है। स्ट्रिक अलग चीज है। हाँ, मैं स्ट्रिक हूँ, डिसिप्लिन हूँ, लेकिन मैं किसी को नीचा दिखा करके अपमानित करके काम नहीं करता। मैं उसको प्रेरित करता हूँ। कभी कोई चीज़ है तो मैं खुद हेल्पिंग हैंड के रूप में खड़ा हो जाता हूँ। मान लीजिए कोई कोई ड्राफ्ट लेकर के आया, तो एक तो तरीका होता है भाई क्या ले आए हो, दूसरा होता है वाह ऐसा करें ना, ये अपन करें तो कैसा रहेगा, आपको क्या लगता है ये करें तो कैसा होगा। तो क्या होता है, मेरी 10 मिनट पहले ही इन्वेस्ट हो जाती है, लेकिन वो मुझे समझ पाता है। Okay. तो अगली बार जब वो आता है तो मुझे मेरा समय ही नहीं जाता, वो मेरी कल्पना के अनुसार चीज़ लेकर के आ जाता है। तो एक प्रकार से मैं कोई लेके आता है तो उसमें से सीखता भी हूँ और सिखाता भी हूँ। Okay. और मैं अपनी टीम बनाता चल जाता हूँ। तो मेरे प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो नीचे 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 डिवाइड होते चले जाते हैं। ओके। तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मतलब आपको गुस्सा, इतना गुस्सा नहीं आता? मैं अंदर तो होता होगा, मैं व्यक्त तो करने से अपने आप को बहुत रोकता रोक लेते हो। होता क्या है जी, कभी मान लो एक मीटिंग में आपने गुस्सा कर दिया तो मीटिंग का एजेंडा वगैरह सब छूट जाता है। हर एक के मन पे वो 2-3 मिनट की समय रहता है, वही छाया रहता है, वो बहुत नुकसान करता है जी। तो मैं जब जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं आपको बताऊं, गुस्सा एक निकालना बहुत अच्छी बात है। मैं छोटा हूँ और बड़ी बात, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, और मैं कहूँगा कि आप है ना गुस्से को जो है अंदर ना रखें, उसे निकालें। जैसे मैं निकालता हूँ, क्या करता हूँ, एक बॉक्सिंग बैग घर पे रखा हुआ है, जितना हो सकता है सुबह 4:30-5 बजे मार लेता हूँ और अपना गुस्सा निकाल लेता हूँ, और फिर थक हार के बस, या कभी समुद्र किनारे चला जाता हूँ और ज़ोर से चीखता हूँ, कोई भी नहीं होता है। नहीं, इसके लिए एक अलग तरीका है। अच्छा, मन की स्थिति के लिए। ओके। एक तो होता है चेहरे पर, बॉडी पर गुस्सा आना और शब्दों में व्यक्त होना, दूसरा होता है आपके इमोशंस को। मैं एक अपने अंदर एक चीज़ डेवलप की थी, ऐसी कोई घटना है जो मुझे पसंद नहीं आई है और मेरा मन करता है कि ऐसा क्यों हुआ। कभी होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कभी होता था मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और कभी ईगो बीच में आता है तो मैं व्यक्त भी नहीं करता हूँ, भाई आई एम सॉरी मेरे से ये गलती हो गई, मनुष्य है। तो मैं क्या करता था, अकेला कागज़ लेकर के बैठता था, उस सारी घटना का वर्णन लिखता था, कैसे हुआ, क्या हुआ, और मैंने क्या किया, क्यों किया, खुद ही, और उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करता था। फिर उसको मैं फाड़ करके फेंक देता था, पढ़ता भी नहीं था दोबारा। फिर भी मेरा मन शांत नहीं होता था, पूरी कथा दोबारा लिखता था, 3 पेज 4 पेज 5 पेज, उसमें उस सारे घटनाक्रम को डाल के पूरे पेपर पे रख देता, फिर से एक बार जीवंत कर देता था। हाँ। इससे क्या होता था कि वो चीज़ें मेरी जो इमोशंस है उस कागज़ के अंदर आकर के फिर वो जल जाती थी। तो मैं एक प्रकार से फिर उसके उस प्रक्रिया के दरमियान जो पहले मुझे सच लगता था कि मैं सच हूँ, 2-3 बार लिखते के बाद मुझे लगता है नहीं ये गलत है, मैं सच नहीं था, मैं ही गलत था। अच्छा, ये मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ उसमें से। तो मतलब ये आपका तरीका है? हाँ, ये आपका लेकिन अब वो नहीं रहा, इतना समय नहीं है। अच्छा, यानी मैंने अपने आप को ट्रेंड उस प्रकार से किया।